नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ कर्णिका सिंह। आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स। इस वक्त हम इंदौर शहर के C21 मॉल पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं साइबर मध्य प्रदेश की पूरी टीम मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। आज महिला दिवस है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम इनसे जानकारी लेंगे कि महिलाएँ अभी देश में कितनी सेफ खुद को महसूस कर रही हैं, या उनके लिए जो भी लॉज बनाए हुए हैं वो आगे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं इंदौर की साइबर पुलिस से। सर, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं प्रभाकर महाजन, राज्य साइबर सेल जून इंदौर से। सभी को उमंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो सोशल मीडिया से बिलोंग करता है। हर कोई, जिसे भी हम देखें, सभी यूजर्स के पास में स्मार्टफोन है। हम जानते नहीं कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और हमें कैसे प्राइवेसी सेटिंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए आप सोशल मीडिया पे, हम कहीं ना कहीं प्राइवेसी सेटिंग को फॉलो नहीं कर पाते, जिसके कारण से हमारी आईडी हैक हो जाती है। हमारे पास में रोज़ाना फेसबुक का अकाउंट हैक होने के केसेस बहुत आते हैं, इंस्टाग्राम के भी अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो हमें इन अकाउंट्स को हैक होने से बचाने के लिए क्या क्या प्राइवेसी सेटिंग रखना चाहिए और क्या क्या हमें इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसा कि अभी सबसे ज़्यादा केसेस फेसबुक में मिरर डिक्टो आईडी बन जाती है। जैसे कोई मान सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसकी छवि बहुत अच्छी है जनता में, और मान सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति है और छवि भी बहुत अच्छी है, तो ऐसे जाने माने व्यक्तियों के मिरर कॉपी एक आईडी ऐसी बना दी जाती है जिसमें उन्हीं का फ़ोटो यूज़ कर लेते हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स को फॉलो करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर डिमांड करते हैं, मनी की डिमांड करते हैं कि मुझे हाय हेलो करते हैं और मैं फला फला बोल रहा हूँ। तो ऑलरेडी वो एक दूसरे को जानते, क्योंकि नाम भी उन्हीं का यूज़ होता है और फ़ोटोज़ भी उन्हीं के यूज़ होते हैं और फॉलो भी उन्हीं के जो यूजर्स होते हैं उन्हीं को करते हैं। तो जनरली कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से परिचित होते हैं, बट उन्हें यह नहीं पता होता कि उसके पीछे कोई हैकर है। हैकर्स क्या करता है, फिर डिमांड करता है कि आप फोन पे कर दीजिए, एटीएम कर दीजिए, या किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन, सोशल ट्रांजेक्शन कर दीजिए। तो उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जानने पहचानने के कारण ऐसा ट्रांजेक्शन कर देते हैं जिसके कारण फ्रॉड हो जाता है। ऐसे आए दिन महिलाओं की जो अच्छे फेक आईडी बना देते, जैसे कोई महिलाएं या कोई जैसे लड़कियां हो, अधिकांश देखने में ये आता है कि कॉलेज ज्वेलिसी का पार्ट बना के फेक आईडी बना देते, किसी के नंबर्स अच्छे आते हैं तो फेक आईडीज बना देती है और ऐसा फ़ोटोओं का दुरुपयोग करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें प्राइवेसी सेटिंग का फॉलो करना चाहिए। व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, टू सेटअप वेरिएशन एक ऑप्शन आता है, हमें हमेशा इसे फॉलो करना चाहिए। और स्मार्टफोन हम चलाते हैं तो हमें उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में पॉम्पलेट्स है, वो आप सभी अभी हम आपको दे देंगे। उसमें हर प्रकार, चाहे ऑनलाइन फ्रॉड हो, पेटीएम फ्रॉड हो, किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो, लोन के नाम पे धोखाधड़ी हो, एनीवे किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया या ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होता है उसके बारे में हमारे पास में SOPs हैं जो भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी बताइएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को मेरी ओर से वुमेंस डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे हमारे साथ साइबर इंदौर की एक टीम मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मैम मौजूद है जो खुद एक महिला है। आज महिला दिवस है तो हम आज इनसे बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस, साइबर पुलिस क्या कदम उठा रही है और आगे क्या कदम उठाने वाली है। मैम, आपका नाम है? नमस्ते, मेरा नाम निशा है और मैं साइबर सेल इंदौर में कार्यरत हूँ। मैम, ये इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दें, जो यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है आपने, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें।
एक्चुअली आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और वुमेंस डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये लगाया हुआ है, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही हैं साइबर फ्रॉड में, और जो सबसे ज़्यादा महिलाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर देती हैं, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, और उसमें अननोन कई बार होता है कि अननोन फ्रेंड्स को ऐड कर लेती हैं। अननोन को ऐड करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ करते हैं और हमारी फ़ोटोज़ को मॉर्फिंग करके उसको न्यूड बना के उसको उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। तो ये फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो कभी भी कोई भी, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, कोई भी लड़की हो, कभी भी किसी अननोन फ्रेंड को जिसको आप जानते नहीं हो उसको कभी भी ऐड ना करें। और कई आईडी भी हैक हो जाती हैं, और हैक करके वो लोग क्या करते हैं, जैसे आप हो, आपकी आईडी हैक कर ली उन्होंने, और आपकी आपकी परिचितों को वो लोग मैसेज करते हैं कि हमें इतने की ज़रूरत, अपने जो रिलेटिव्स हैं वो तो सोचते हैं इनको ज़रूरत है तो वो दे देते हैं पैसे, लेकिन अपन को मालूम नहीं होता कि अपनी आईडी किसी ने फेक बनाई हुई है और वो किसी से पैसे मांग रहे हैं। तो ये चीज़ें अपनी प्राइवेसी करके रखें और अपने प्रोफाइल आईडी को हमेशा लॉक करके रखें। मैम, आपसे पूछना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं, कुछ लागू भी हो रहे हैं, कुछ लागू नहीं भी हो पा रहे हैं, और भी कानून बनाने चाहिए, तो आपके हिसाब से और क्या कानून बनने चाहिए जिससे मतलब वुमेन्स हैं जो खुद को इस देश में और महसूस सेफ महसूस कर सकें? देखो, ऑलरेडी इतने ज़्यादा वुमेन्स सेफ्टी के लिए ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी देखो सारी चीज़ें सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, मतलब वुमेन्स को खुद ही अवेयर होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी जितने भी लॉ बने हुए हैं वो वुमेन्स के लिए ही हैं, वो सफिशियंट हैं। तो हमें खुद अवेयर होने की, क्योंकि जनता को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा, कई अपनी प्राइवेसी लॉक करनी पड़ेगी और कई चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो हम जो होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ हो, हमें हर चीज़ दिखाने की आदत है, हम कहीं मार्केट जाते हैं तो हम बताते हैं कि हम मार्केट में हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मार्केट जाते हैं और हम बताते हैं हम आज गोवा, मतलब जैसे मान लो कि वैकेशन पे गए हम स्टॉक कर रहा हो तो अपन बोलते हैं हम गोवा गए, तो आपका कोई ऐसा हो सकता है वो आपके घर में, कई बार ऐसे केसेस भी हुए हैं कि हमने डाल दिए सोशल मीडिया पे हम यहाँ पे घूमने गए और हमारे घर में चोरी हो गई, क्योंकि उनको मालूम रहता है आप घर में नहीं हो उस टाइम पे। तो हमें अवेयर होने की जरूरत, सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे नहीं अपलोड करनी है, ये चीज़ें अपन की जानने की बहुत ज़रूरी होती है। तो आज हमारी ये खास पेशकश यहीं समाप्त होती है, तो उसके ख़त्म होने के साथ मैं आपको एक महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि नारी तुम प्रेम हो, नारी तुम प्रेम हो, आस्था का विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था का विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही एक प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन के लिए खास हो। तो मेरी तरफ से सभी लेडीज़ को, सभी वुमेन्स को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जेएसआर टाइम्स फरहान खान के साथ मैं कर्णिका सिंह। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।